दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन जो BSNL-MT के एग्जाम्स आपके होंगे आपके मार्च में। उसके लिए मैं दोस्तों आपकी अभी से तैयारी करवाने के लिए मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल सेक्शन के लिए। मैं उस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उन सबको करूँगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। BSNL के टेलीकॉम ऑपरेशंस के जो भर्ती आई है उनके क्वेश्चन में टेक्निकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टेक्निकल क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेरीज, इंक्रीजेस और फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, इंक्रीजेस। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज वॉट, साइन फंक्शन, लीनियर, पैराबोला और हाइपरबोला। द करेक्ट आंसर इज बी, लीनियर। द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड रेजिस्टिविटी रो इज गिवेन एज रो ए बाई एल, रो एल बाई ए, रो एल ए और एल बाई रो। द करेक्ट आंसर इज बी, रो एल बाई ए। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली एज वॉट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल लेंथ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। करेक्ट आंसर इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट, ए वोल्टेज, बी पावर, सी करंट, डी रेजिस्टेंस। द करेक्ट आंसर इज सी, करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ अ सीरीज सर्किट, ए द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, बी द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज द सेम, सी अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर एडिटिव और नन। द करेक्ट आंसर इज बी, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम। फ्रेंड्स, मैंने इसमें लेवल आसान से कठिन रखा, मतलब कि स्लोली स्लोली आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूँ 1 से 30 तक। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। ये मैं सोचिएगा मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना है ये सब चीज़ ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप लोग बेसिकली पढ़िए तब आप लोग को पता चलेगा। ये आसान लगते हैं बट एग्जाम में यही सब छोटी छोटी क्वेश्चन आप लोग को ध्यान नहीं आते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। थ्री रजिस्टर्स ईच आर ओम्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल विल बी व्हाट, 2/3R, 3/2R, R और 3R। करेक्ट आंसर इज ए, 2/3R। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रूम हीटर इफ नाउ 100 वॉट बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ 40 वॉट बल्ब, the heater output will be A, increases, B, decreases, C, remains the same. The correct answer is B, it decreases. The voltage applied across an electric iron is halved. The power consumption of the iron will be what? 1/2, 1/4, 1/√2 times, 3/4. Correct answer is B, 1/4, 1/4. Next question, KVL is concerned with what? IR drops, battery MF, junction node, both A and B. Correct answer is C, junction node. KCL is applicable only to electric circuit, electronic circuit, junction in a network, closed loop in a network. Correct answer is C, junctions in a network. Single phase two winding transformer is designed to operate at 400 by 200 volt. 50 hertz if the HV side is now energized from 400 volt. The 40 hertz source, आगे बढ़ते हैं। If a single phase two winding transformer is designed to operate 400 by 200 volt 50 hertz, if the HV side is now energized from 400 volt 40 hertz, the no load 1 volt side voltage will be what? 300, 250, 200 volt or 150 volt. करेक्ट आंसर इज सी, 200 वोल्ट। बिकॉज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए ऐसा हो रखा है यहाँ पे
क्योंकि बाय कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी रिड्यूस बिलो इट्स रेटेड वैल्यू अंडर नो लोड कंडीशन देयर इज नो चेंज इन वोल्टेज सिंस नो लोड टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज कंडीशन नो लोड LV side voltage would be 200 volt only. That's why the answer is C, 200 volt. Question number 13. If the percentage impedance of the two transformer working in parallel are different, then transformer will be overheated. Power factor of both the transformer will be same. Parallel operation will not be possible. Parallel operation will still be possible. Correct answer is D. Parallel operation will still be possible. Next question. A time-varying fluxes causes an induced electromotive force. What law does this statement represent? Ampere's law, Faraday law, Lenz law, field form of Ohm's law. Correct answer is B. Faraday law. The main advantage of distributing the winding in slot is to reduce the size of machine, add mechanical strength, reduce the amount of copper required, reduce the harmonics in the generated EMF. Correct answer is D. Reduce the harmonics in the generated EMF. Question number 16. Starting torque can be obtained in the case of a single phase induction motor with identical main and auxiliary winding by connecting A. capacitance across the mains, B. capacitance in the series with the machine, a capacitor in series with auxiliary winding, the main and the auxiliary winding in series. The correct answer is C, the capacitor in series with the auxiliary winding. The auxiliary winding is required in single phase induction motor at the time of starting only to produce starting torque. So a capacitor is connected in series with auxiliary winding to increase the starting torque. That's why the correct option is answer C, a capacitor in series with the auxiliary winding. Next question. फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है इस चैनल को फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ 17th क्वेश्चन कंपेयर टू टर्बाइन इज कन्वेंशनल कोल फायर्ड थर्मल स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन यूज स्टीम एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर High pressure and temperature, low pressure at and high temperature, high pressure and low temperature. The correct answer is A, lower pressure and the temperature. Compared to turbines in the conventional coal-fired thermal stations, nuclear power plant turbines use steam at the low pressure and the temperature. Question number 18. The power transmission capability of bipolar lines is approximately half that of three-phase single circuit line, B, same as the phase single circuit line, C, twice that of three-phase single circuit line, D, thrice that of three-phase single circuit line. The correct answer is B, same as that of three-phase single circuit line. The power transmission capability of bipolar lines is nearly same as that of the three-phase single circuit line. अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 द टर्म सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट हाई हेड हाइड्रो लो हेड हाइड्रो मीडियम हेड हाइड्रो थर्मल द करेक्ट आंसर इज आंसर ए हाई हेड हाइड्रो द सर्ज टैंक इज एसोसिएटेड विथ द हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट क्वेश्चन नंबर 20 इक्वल एरिया क्राइटेरिया इन पावर सिस्टम इज यूज्ड In the context of A. deciding maximum loading for a given excitation, B. stability of a machine is connected to infinite bus bar, C. stability of power system in which many machines are connected to infinite bus bar, D. load distribution between a single machine and load drawn from infinite bus bar. Correct answer is answer B. Stability of a machine is connected to infinite bus bar. Equal area criteria in power system are used in the context of a stability of a machine connected to infinite bus bar. Question number 21. In a power system, which of the following is a critical clearance time of a fault related to? A. Transient reactance. 2. Transient reactance. 3. Reactive power limit. 4. Transient stability limit. Options are 1 and 2. 2 only, 3 and 4, or 4 only. The correct answer is D, 4 only. Transient stability limit.
In power system, critical clearance of a fault is related to transient stability limit only. Agla prashn. Baiswa. In the core type 2 winding transformer, the low voltage winding is placed adjacent to the steel core in order to A. facilitate dissipation of heat during the operation of transformer, B. minimize the amount of insulation required, C. reduce the chances of axial displacement with respect to high voltage winding placed outside, D. reduce the mutual radial stress between the two winding. The correct answer is B. minimize the amount of insulation required. Question number 23. The transient state stability is generally improved by using high speed governors on machine, using low inertia machine, dispensing with neutral grounding, or any of the above. The correct answer is A. using the high speed governors on the machine. The transient stability is improved by using high speed governors on machine. Question number 24. The use of high speed servers reduces short circuit current, improves the system stability, decreases the system stability, increases the short circuit current. The correct answer is answer B. Improves the system stability. It is because high speed circuit breaker improves the system stability. Next question. Question number 25. Consider the following statement. The intrinsic carrier concentration of a semiconductor depends on doping, increase exponentially with decrease of band gap of semiconductor, increase non-linearly with increase of temperature, increases linearly with increase of temperature. Which of the statements are correct? 1, 2 and 3, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2 and 4 only. The correct answer is question number C, 2 and 3 only. Question number 26. The concentration of minority carriers in an intrinsic semiconductor under equilibrium is